आईपीएल 2020 के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की यह तीसरी जीत है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 210 रन ही बना सकी। दिल्ली से मिले 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ओवर में ही सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण 3 रन बनाकर एंड्रिक नॉर्टजे की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल और नीतीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की, लेकिन यह दोनों तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे। गिल ने 22 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 28 रन बनाए। वहीं राणा ने 35 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 165.71 का रहा है। अपनी अर्धशतकीय पारी में राणा ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसेल भी अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय कोलकाता ने 122 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, तो यहां ऐसा लग रहा था कि मानो दिल्ली आसानी से इस मैच को जीत लेगी। लेकिन इयोन मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने लड़ाई जारी रखी। इन दोनों ने 7वें विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। मॉर्गन ने 18 गेंदों में 44 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 5 छक्के निकले। वहीं राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों में 36 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। हालांकि अंत में यह दोनों अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। टूर्नामेंट में केकेआर ने हाथ आई ये दूसरा मैच गंवाया है। अब कोलकाता को अगले मैच में मजबूती से वापसी करनी होगी, वरना टूर्नामेंट में केकेआर का सफर मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की उस पर मुझे गर्व है। दोस्तों, मैच हारने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा, जिस तरह से खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की उस पर मुझे गर्व है। हम अंत तक लड़ते रहे, जो हमारी टीम का स्वभाव है। आज हमने जो प्रयास किया उससे हम वाकई खुश हैं, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने हमें निराश किया और सही लाइन लेंथ पर बॉलिंग नहीं की। खासकर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की जोड़ी को हम तोड़ने में नाकाम रहे। ये दोनों की साझेदारी ही इस मैच से हमें दूर कर दी। दोस्तों, आपको बता दें, आज ऋषभ पंत ने जबरदस्त लय में नजर आए और शानदार बैटिंग करते हुए मात्र 17 गेंदों में 38 रन ठोक दिए। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी छक्कों की बरसात कर दी और 6 छक्के लगाकर 38 गेंदों में नाबाद 88 रन बनाए। और इन दोनों की पारी के दम पर ही दिल्ली इस मैच को जीत पाई। वैसे दोस्तों, किसकी गलती से कोलकाता को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।